हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ द्रौपदी के राज के बारे में, जो कि बहुत ही रहस्यमय राज है, जो कि आपने कभी नहीं जाना होगा। तो चलिए आज हम आपको उस राज के बारे में बताते हैं। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह के व्याख्या करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएँ भी मिलती हैं। इसी श्रेणी में एक है जांबुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज को खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भी भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। दोस्तों, अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज़्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छुपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छुपा रही है। दोस्तों, तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं करण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने करण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता।
यह सुनकर पांचों पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि पांच बहादुर पतियों के होने के बावजूद वह अपनी पत्नी की जरूरत के समक्ष रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वे कभी उसके साथ खड़े नहीं हुए। दोस्तों, इस पौराणिक कहानी का एक निहार्थ ये भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वो खुद तक सीमित रखता है। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचाने के कारण डर से छिपा कर रखे जाते हैं। द्रौपदी भारत की वो प्रथम महिला है जिसके पांच पति थे। ये वह पांच पुरुषों के साथ रमन करती थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षावटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सभी जानते हैं। द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को पांचों लोगों को अपना पति बनाना पड़ा? इसके पीछे कोई श्राप था या कुछ और वजह? जाने, महाभारत की इस कथा को बहुत ही प्रचलित कथा है। दोस्तों, पुरानी कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था, द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर लड़की थी, इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उससे शिव की तपस्या की। शिव तब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 वर संयोग वर मांग लिया। शिव जी ने भी वर दे दिया। इस तरह उसके 5 पति होने का वरदान मिल गया। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी की शादी के लिए वर का आयोजन किया। उसमें पांडव भी ब्राह्मण का भेष धारण कर पहुंचे। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में। उसकी परछाई देखकर यह भी एक एक नहीं पूरे 5 तीर मारना था। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत ही विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण भेष धारण कर पहुंचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के दखल से अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उनके गले में माला डालकर उसे अपना पति मान लिया। दोनों की वहीं शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुंचे। अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और सभी पांडव की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। जो पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, ये पांचों पांडव की वो पत्नी कैसे बन गई, ये बहुत लंबी कथा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। दोस्तों, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वो भी ये जानते थे कि उसे अपने 5ों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया
कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करें। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे एक वर्ष का देश निकाला जाता है, यानी कि देश से निकाल दिया जाता है। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले एक साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की एक वर्ष की आवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ एक एक वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीन धनुष भूलाए पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए ही उन्हें इसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन एक साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी एक साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उनके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों एक वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन नाग कन्या उल्पी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम ईरावान रखा गया। दोस्तों, द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल से पांचों पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन पांचों पुत्रों को अस्थमा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्याभामा भी आपस में मिलकर एक ही जगह बैठी थी। दोनों ही आसपास में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव भजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तो चारणीय स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वो अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसे आचरण करती है। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्रेय को पूर्ण संज्ञ समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।